अस्सलाम वालेकुम अवियज़, मेरा नाम अदनान अली है यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की तरफ से। अवियज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन लेके आया हूँ, जो कि एक 5 मरले का घर है, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है। सबसे पहले इस घर की लोकेशन की बात करते हैं। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये सेक्टर डी के अंदर लोकेटेड है, सेक्टर डी के डबल सी ब्लॉक के अंदर, और डबल सी की लोकेशन बिल्कुल नियरेस्ट सेक्टर सी के अंदर है। मेन जो तलवार चौक है उसके बिल्कुल करीब है, और साथ ही सेक्टर डी की बुलेवर्ड के बिल्कुल मेन की बैक साइड पे इसकी लोकेशन बनती है। तो ओवरऑल इसकी लोकेशन का तो बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त लोकेशन पे ये घर है। आए, मैं आपको घर के अंदर की तरफ लेके जाता हूँ, घर का व्यू देता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये अब हम इसके गैराज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये अच्छी खासी स्पेस वाला गैराज है, ये आपके सामने है। इसमें आप बड़ी गाड़ी इजीली 5 मरले के घर के अंदर पार्क कर सकते हैं। ये इसका मेन डोर है, मेन डोर के साथ ही ये इसकी गैराज की गली है। ये गैराज के साथ ही जैसे ही हम मेन डोर की तरफ आते हैं, ये इसका मेन डोर है, ये साथ ड्राइंग रूम का डोर है। मेन डोर बिल्कुल सॉलिड वुड का डोर बना हुआ है, ये इसके साथ कैलीग्राफी है, और ये एक लैदा डबल यूनिट का घर है। मतलब इसके साथ एक लैदा दरवाज़ा दिया हुआ है, जिसमें आप ईज़िली सीढ़ियाँ ऊपर दी हैं, जिसके ऊपर वाले पोर्शन को सेपरेट करने के लिए। आए, हम घर के अंदर की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये मेन डोर से एंटर होते साथ ही हमारे पास ये टीवी लॉन्ज आ जाता है। ये टीवी लॉन्ज है, और टीवी लॉन्ज के साथ ही आप देख सकते हैं कि ओपन किचन दिया हुआ है। ये किचन में बहुत अच्छा काम हुआ है वुड का, ये आप देख सकते हैं। और ये स्लाइटली सा यूज घर है, ज़्यादा यूजेज भी नहीं हुआ इसका। किचन के दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ये इसका ड्राइंग रूम आ जाता है, अच्छी खासी स्पेस वाला ड्राइंग रूम बना हुआ है। ड्राइंग रूम के साथ ही हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर बड़ी अच्छी कंडीशन में है घर। कहीं पे भी इसके सीपेज वगैरह नहीं है, और स्लाइटली सा यूज़ है, कोई 7-8 माह यूज़ है ये घर। ये इसके कबर्ड्स हैं। ये मेन डोर के वाशरूम, मेन बेडरूम के वाशरूम की तरफ चलते, ये इसका वाशरूम। जी तो व्यूअर्स, ये इसका बेडरूम था, नीचे वाले पोर्शन का। बेडरूम के साथ ही आप देखेंगे तो ये पाउडर रूम है, पाउडर रूम के साथ ही ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर के पर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं, लेकिन इन सीढ़ियों को सेपरेट किया गया है शीट लगा के। अगर आपकी छोटी फैमिली है, अगर आप अपर पोर्शन रेंट आउट करना चाह रहे हैं या ग्राउंड फ्लोर रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो आप ईजीली मतलब सेपरेट किया, उनकी एंट्रेंस भी सेपरेट है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो मतलब ऐसे ही ऑप्शन अवेल करना चाह रहे हैं। आज हम ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जी तो व्यूअर्स, ये गैराज के अंदर से ही हमें फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस सीढ़ियाँ मिलती हैं, जो कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से सेपरेट भी कर सकते हैं आप। फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर आते ही साथ ही हमें टीवी लॉन्ज मिल जाता है, टीवी लॉन्ज के साथ ही ओपन किचन है। ये किचन में आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, इम्पोर्टेड शीट का सारा काम हुआ हुआ है इसमें। अपर पोर्शन के ऊपर इसके 2 बेडरूम्स हैं, ये फर्स्ट बेडरूम जो कि फ्रंट की तरफ है। बेड का साइज बहुत ज़बरदस्त है, ये साथ इसकी कबर्ड्स है, ये डिज़ाइन हुई है, सीलिंग देखें बहुत अच्छी हुई हुई है। ये इसका फर्स्ट बेड, ये बेडरूम के साथ वाशरूम, अटैच बाथ, और बाथ के अंदर आप देख सकते हैं कि सारी इम्पोर्टेड एक्सेसरीज लगी हुई हैं। मेन बेडरूम से, अगर आप मेन बेडरूम से आप देख सकते हैं कि जैसे बाहर की तरफ विंडो से आप बाहर का मतलब व्यू, बहुत अच्छा व्यू भी आता है। सारी मतलब कह लें कि सराउंडिंग इसकी पॉपुलेटेड है। आए, हम चलते हैं अब दूसरे सेकंड बेडरूम की तरफ। ये व्यूज, इसका सेकंड बेडरूम है अपर पोर्शन का, इसकी भी स्पेस अच्छी खासी स्पेस वाला बेडरूम है। बेड के ऊपर देखें आप, सीलिंग का काम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। साथ ही इसके कबर्ड्स हैं, कबर्ड के साथ अटैच वॉशरूम है। जी तो व्यूअर्स, ये थे बेडरूम्स इसके। बेडरूम्स के बाद हम चलते हैं टेरेस की तरफ। ये टेरेस इसका व्यूअर्स, ये इस घर का टेरेस है, जो कि अच्छी खासी टेरेस की स्पेस है, जिसमें आप ओपन सिटिंग कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था 5 मरले का घर, जो कि सेक्टर डी में है, और इसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है डबल सी ब्लॉक के अंदर।
अगर हम इस घर की प्राइस की बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे इस टाइम ये घर अवेलेबल है। स्लाइटली सा यूज़ घर है जिसकी वो 2,20,00,000 रुपया सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, और लोकेशन के हिसाब से इस टाइम बहुत मुनासिब ऑप्शन है ये। तो अगर आप इस घर को बाय करना चाह रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर फिर कॉन्टेक्ट कीजिएगा।